हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मैं आप लोग को ओलिविया पेन स्टिक से मेकअप करना बताऊंगी। तो सबसे पहले क्लींजिंग टोनी मॉइस्चराइजर कर लीजिएगा, उसके बाद जो प्राइमर यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर ली हूँ। प्राइमर नहीं है तो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एज अ प्राइमर का काम करता है। तो यहाँ देखिए मैं ब्लू हेवन का प्राइमर अप्लाई करी, उसके बाद 2 से 3 मिनट इसे छोड़िए और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप करना है आपको। तो मेरा देखिए यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब जो है मैं आगे प्रोसेस करूँगी तो आप लोग को दिखा रही हूँ कि हाँ कैसे क्या करती हूँ। तो जब तक स्किन में ऑब्जर्व हो रहा है तब तक मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। इसके लिए मैं मोर्फी का आई शेडो पैलेट ली हूँ और इससे जो है ब्राउन कलर पिक करके मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी, क्योंकि मैं डे मेकअप कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर, और वैसे भी ब्लैक कलर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। नाइट मेकअप में मैं करती हूँ बट डे मेकअप में नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेक दिखता है। तो मैं यहाँ पर ब्राउन कलर से कर रही हूँ अपने आईब्रो को फिल, आईब्रो फिल कर लूँगी, उसके बाद जो है इसे क्लीन करूँगी। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे ओलिविया का पेन स्टिक ली हूँ जिसे मैं मेकअप करने वाली हूँ, और ब्रश में लेके थोड़ी सी अपने आईब्रो को क्लीन कर रही हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। यहाँ कुछ इस तरह से कर लेने से, लगा लेने से क्या होता है कि आपका जो आईब्रो है बहुत ही ज़्यादा खिल के आता है, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखता है। तो मैं ब्रश के हेल्प से जो है यहाँ पे अच्छे से अपने आईब्रो को नीट एंड क्लीन कर ले रही हूँ। आप लोगों को भी किसी इसी तरह से करना है, ब्रश नहीं है तो क्यूट्यूब की हेल्प से कर लीजिएगा, हर किसी के घर में क्यूट्यूब होता ही है। उसके बाद इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सेट कर ले रही हूँ, और यहाँ पे देखिए इसे सेट कर लें। उसके बाद मैं फुल फेस पे जो ओलिविया पेन स्टिक को अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसी से आज मेकअप करना बताऊँगी। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन कंसीलर का काम करता है, बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे फेस नेक सब पे अप्लाई कर लिया और डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से जो है इसे ब्लेंड कर लेना। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करें ताकि आपका मेकअप जो है बिल्कुल केकी फटा फटा सा नहीं दिखे और बिल्कुल नेचुरल दिखे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितना अच्छा रिजल्ट आया है। अभी आप लोगों ने एक भी दिख रहा होगा कि हाँ उतना अच्छा क्लीन नहीं था, जब अप्लाई कर लूँ तो बहुत अच्छा सा दिख रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ी सी ये मेरे स्किन से डार्क कलर आ गया था, तो मैंने यहाँ पे मेबलिन फिटमी का थोड़ी सी फाउंडेशन मैंने अप्लाई करा हुआ है। आप अपने स्किन टोन के मैच का अगर ओलिविया पेन स्टिक लेते हैं तो उसमें फाउंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट वो मेरे स्किन से वन सेट डार्क आ गया था। और इसको सेट करने के लिए जो मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, बट अब सर्दी आ गई है तो आप कॉम्पैक्ट अवॉइड करें और लूज पाउडर को यूज़ करें। लूज पाउडर या टेलकम पाउडर जो भी हो आपके पास उसको यूज़ करें, और कॉम्पैक्ट से क्या होता है कि स्किन ड्राई हो जाता है। बट मैं अभी आप लोगों को दिखा रही थी तो मैं इसी से कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ हेलरी रोरा का जो है ये हाइलाइटर सेड है, और हाइलाइटर से यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइट कलर लेकर अपने आईज के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैं कोई हैवी आई मेकअप नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये डे मेकअप कर रही हूँ, लाइट ही है, बट बहुत ही ज़्यादा क्विक मेकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा बहुत ही प्यारा सा मेकअप लुक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरह से हाइलाइटर सेड को अप्लाई कर ले रही हूँ, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आईलाइनर अप्लाई करूँ। बट पहले इसी सेट से मैं यहाँ पे ब्लशर जो है अप्लाई कर रही हूँ। ये जो हाइलाइटर मैं अप्लाई कर रही थी हेरी रोडा का, इसी से पिंक शेड उससे लेकर और मैं यहाँ पे एज ए हाइलाइटर और ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं डे मेकअप है तो बहुत ज़्यादा डार्क यहाँ पे ब्लश अप्लाई नहीं करूँगी तो लाइट ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिंगर के हेल्प से जो है मैं यहाँ पर हाईलाइटर सेट लेकर अपने नोज पर भी अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद जो मैं यहाँ पर ब्राउन कलर के लिप लाइनर से पहले करूँगी अपने लिप को ड्रॉ और उसके बाद जो है फिल करूँगी। पहले कभी भी अगर जिनको जो बिगनर है उनको लिपस्टिक लगाने जिनको नहीं आती है, पहले आप लिप लाइन कर ले उसके बाद ही लिपस्टिक अप्लाई करें तो आपकी लिपस्टिक जो है परफेक्ट लगेगी और बहुत ही अच्छा सा खिल के भी आएगा, बहुत प्यारा सा कलर। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने लिप को जो है लाइन कर ली हूँ अच्छे से, और इसको थोड़ा मोटा ही लिप लाइनर अप्लाई करें। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लिपस्टिक ते हुए, यहाँ पे देखिए मैं बुलेट लिपस्टिक कलर क्वींस के बुलेट लिपस्टिक जो है उसे अप्लाई कर रही हूँ। मैरून कलर है, बहुत ही प्यारा शेड है, बहुत प्यारा कलर है, इसे मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ था। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्केच लाइनर, ब्लू कलर का स्केच लाइनर है, मुझे अभी यही मन किया था तो मैं यही अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये लिक्विड लाइनर है, स्केच लाइनर नहीं है, लिक्विड लाइनर है, और मैं ब्लू कलर का आई शेडो लेकर नीचे थोड़े से ब्रश की हेल्प से स्मच कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं काजल अप्लाई नहीं करूँगी, ब्लू आई मेकअप मुझे करना था। तो यहाँ पर देखिए मेरा मेकअप हो चुका है डन। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को
फाइनल लुक। तो ये है, मैंने ईयर रिंग्स वगैरह वियर कर लिया है, हेयर को ओपन रखा हुआ, आप चाहे तो हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेकअप, इतने ईजी तरीका से इतने कम प्रोडक्ट से मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है जो भी वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाय।